ये है गैंगटॉक का बोर्ड, इन्होंने बनाया हुआ है। हम अपनी गैंगटॉक जो होटल है यहाँ से निकल रहे हैं। सिलीगुड़ी यहाँ से 113 किलोमीटर, रैंगपो 36 है। अच्छा से बनाए देख लो। सिलीगुड़ी 76 किलोमीटर, कोलकाता 662, कालिम्पोंग 36। ये है दोस्तों तिस्ता ब्रिज, और इसके नीचे से जो नदी गया वो तिस्ता नदी है। होटल है तिस्ता रिवर के बगल में। हाँ, ये हमारा राइडर ग्रुप का लीडर सपन था। हम सालुग्रा पहुँच चुके हैं। सालुग्रा क्रॉस करने के बाद विल्सन कोई होटल टावर बंगला, जो कि गुड मॉर्निंग फ्रॉम गैंगटॉक। हम लोग अभी इस होटल अभी हम थोड़ा शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं, देखते हैं पसंद आएगा तो ले लेंगे। हर तरफ होटल ही होटल है, और गैंगटॉक में देख लीजिए गाड़ी का कितना रश है। अभी यहाँ पे मार्केट के बगल से बहुत सारे सीढ़ियाँ मिलते हैं जो ऊपर की तरफ ले जाता है। हम सीढ़ी से अभी दूसरी साइड जा रहे हैं, सीढ़ी से चढ़ के मार्केट के दूसरी तरफ आ चुके हैं। वाटर नज़ारा, ये है आपका गैंगटॉक। हम अभी एमजी रोड के मार्केट में घूम रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। ये है गैंगटॉक का बोर्ड, इन्होंने बनाया हुआ है। हम एक टेरिस पे आए हुए हैं अभी छत पे, उसके ऊपर के ऊपर से आप लोगों को जो नज़ारा है, जो व्यू आप दिखा रहे हैं, चारों तरफ से ये पहाड़ से घिरा हुआ है। ये पूरा गैंगटॉक का नज़ारा। गैंगटॉक पे हमने शॉपिंग कर लिया है, थोड़ा सामान खरीदा। एक हमने बाइक पे लगाने के लिए लिया है, एक ये हाथ वाला पंखा, दो कंघी, दो छाता, एक मैंने गेंजी टका बच्ची के लिए जूता लिया, और एक पंचू। बस इतना ही मार्केट है, ज़्यादा कुछ लिया नहीं। हम अपनी गैंगटॉक जो होटल है यहाँ से निकल रहे हैं। थोड़ा सा हमें राइट को जाना है नीचे से सिलीगुड़ी के लिए। अभी हम गैंगटॉक के अंदर हैं। एमजी मार्ग में हमारा होटल था। सिलीगुड़ी यहाँ से 113 किलोमीटर, रैंगपो 36, सिंगथाम 25, और रानीपुल 8 किलोमीटर। लो जी, हम आ गए 111 किलोमीटर सिलीगुड़ी, रैंगपो 34, सिंगथाम 23, रानीपुल 6। अभी तक 2 ही किलोमीटर चला पाया, बहुत खतरनाक जाम है भाई। सुबह सुबह निकलोगे हो सकता है थोड़ा कम मिले, बट अभी तो बहुत खतरनाक जाम है। नीचे उतरने वाले भी जा रहे हैं, ऊपर आने वाले भी आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा भीड़ है छोटा कार का, जो फोर व्हीलर है, लाइट व्हीकल, इनसे सबसे ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि इसी में ज़्यादातर टूरिस्ट इसी में ट्रैवल करते हैं। सिलीगुड़ी था ना, सिलीगुड़ी। चलो भाई, गुड शाबाश। यहाँ पे रास्ते में स्लाइडिंग हुआ है लग रहा है, इसलिए थोड़ा ब्लॉक है, एक साइड से गाड़ी जा रहा है। पूरा मिट्टी का पहाड़ है भाई, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, ये पूरा मिट्टी का है ना, पूरा धस चुका है, इसलिए थोड़ा रोड क्लोज हो गया है।
एक टनल ख़त्म हो गया सिलीगुड़ी, यहाँ से 88 NGP 102 मैली 30 और रैंगपो 11 किलोमीटर हमने काफ़ी कवर कर लिया है, 88 किलोमीटर और बचा है। सिंथम पार करके थोड़ा सा रास्ता ऐसे ख़राब मिलेगा आपको, यहाँ पे शायद कोई नया ब्रिज बना रहा है इसको कनेक्ट करने के लिए, इसलिए रास्ता थोड़ा सा अभी थोड़ा सा पैच ख़राब है। रैंपो 10 किलोमीटर, मैली 29, सिलीगुड़ी 87 किलोमीटर और तिस्ता 45 किलोमीटर। यहाँ से सिंथम से थोड़ा क्रॉस करने के बाद ये आपको बोर्ड दिख जाएगा, एक टनल और मिल गया, छोटा सा ही टनल है। अभी हम रैंपो पहुंच चुके हैं, यहाँ से हमें जो है राइट टर्न करके NH10 के ऊपर ही चलना है, मेनला 87 किलोमीटर, सिलीगुड़ी 76 किलोमीटर। पाकयांग 35 और रेनॉक 19 किलोमीटर, सिलीगुड़ी 76 किलोमीटर, कोलकाता 662, कालिम्पोंग 36, सेवक 54 किलोमीटर। तो हमने जाना अभी 76 किलोमीटर, अभी मेरे हो रहा है 28,572, पूरा किलोमीटर चल गया दोस्तों। पिछली साल लद्दाख में काफ़ी चल गया था, उससे पहले इतना नहीं चला था। ये नीचे से शानदार एक नदी है जो बह रही है, ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, तिस्ता 21 किलोमीटर यहाँ से। 60 किलोमीटर तक गाड़ी चला दिया है, चाय पीने के लिए। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. अभी कुछ ही देर में तिस्ता ब्रिज आने वाला है, हमने जो मैली बाजार भी क्रॉस कर दिया, अभी थोड़ी देर रुके हुए थे इसलिए थोड़ा टाइम और बर्बाद हो गया हमारा, बट रुकना तो था, थोड़ा इंजन को भी ठंडा करना था। ये है दोस्तों तिस्ता ब्रिज, और इसके नीचे से जो नदी गया वो तिस्ता नदी है, काफ़ी शानदार नदी है, इतनी शानदार फ्लो में जा रहा है। लंच के लिए रुके हुए हैं तिस्ता बाज़ार से, थोड़ा सा तिस्ता ब्रिज क्रॉस करने के बाद। ये होटल है तिस्ता रिवर के बगल में, हाँ ये हमारा राइडर ग्रुप का लीडर सपन दा जी। और ये है रिवर साइड रेस्टोरेंट जो बिल्कुल तिस्ता ब्रिज क्रॉस करते हैं आपको मिलेगा, यहीं पे हम लोग अभी आज लंच करेंगे। लंच के लिए बैठ के पूरे लोग सर जी, लंच के लिए क्या ऑर्डर किया आपने सर? चावल। चावल सर, आप लंच के लिए क्या लेंगे? रोटी कॉफी। हमारा लंच खत्म हो गया, अभी हम दोबारा सिलीगुड़ी के लिए निकल गए।
बाई साइड में तिस्ता रिवर एक शानदार फ्लो के साथ, थैंक्स विजिट अजैन। सिलीगुड़ी यहाँ से 32 किलोमीटर, दार्जिलिंग 98 किलोमीटर, बहुत नज़दीक आ चुके हैं और थोड़ा ही बचा है, 32 किलोमीटर। ये रहा टाइगर ब्रिज, लेफ्ट साइड को निकल गया। यहाँ से आप बागडोगरा बकराकोट जा सकते हैं, सॉरी बागडोगरा नहीं बकराकोट, जलपाईगुड़ी जो रास्ता जाता है ये लेफ्ट साइड से जा रहा है। अभी हमने सेवक मोड़ जो है क्रॉस कर दिया। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, ये दोनों तरफ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एलिफेंट वगैरह बहुत है, रोड में कहीं कहीं आपको एलिफेंट क्रॉसिंग का बोर्ड भी मिलेगा। ये अगली हाथी यात्रा, ऐसे आपको बहुत सारे बोर्ड मिल जाएगा। ये रास्ता अभी सेवक मोड़ से लेके सिलीगुड़ी तक जा रहा है, काफ़ी बढ़िया रास्ता है। हम सालुग्रा पहुंच चुके हैं, सालुग्रा क्रॉस करने के बाद फिर हम सिलीगुड़ी में एंटर करेंगे। यहाँ ट्रैफिक बहुत खतरनाक है, दोनों तरफ गाड़ी खचाखच भरा हुआ, आप चाहे तो जल्दी निकल नहीं पाएंगे। यहाँ पे आपको महानंदा ब्रिज मिल जाएगा, ये महानंदा ब्रिज, इसको क्रॉस करने के बाद ही आप दार्जिलिंग मोल जा पाओगे। सिलीगुड़ी 1 किलोमीटर बता रहा है यहाँ से, सिलीगुड़ी स्टेशन एक है, एक एनजीपी स्टेशन है। सिलीगुड़ी स्टेशन में इतना ज़्यादा वो नहीं रहता ट्रेन का, बट एनजीपी स्टेशन से आपको हर जगह का ट्रेन मिल जाएगा। हम दार्जिलिंग मोड़ के बहुत नज़दीक आ चुके हैं, थोड़ी देर में हम दार्जिलिंग मोड़ को क्रॉस करेंगे। आगे जो दाहिने तरफ मोड़ आ रहा है, ये दाहिने तरफ आपका है दार्जिलिंग मोड़, आप दार्जिलिंग के लिए ये दाहिने साइड से आप जा सकते हो। यहाँ से दार्जिलिंग 77 किलोमीटर, कोलकाता 578, बागडोगरा 12 और कुर्सियांग 45 किलोमीटर, जो कि राइट दार्जिलिंग मोड़ की इस तरफ जाएगा। आज भी हमारा डेस्टिनेशन सिलीगुड़ी दार्जिलिंग मोड़, तो हम वही जिस होटल में जाते समय रुके थे उसी होटल के अंदर आज भी बुकिंग कर रखा है, होटल टावर बांग्ला। ये है सेम वही होटल टावर बंगला, जो कि दार्जिलिंग मोड़ के बिल्कुल जस्ट बगल में ही है। ये हमारा होटल,
दोस्तों अभी होटल रूम में अंदर घुस चुके हैं। ये होटल टावर बंगला का एक रूम है, ये देख सकते हैं आप। ये है एसी है बट इतना खास ठीक मतलब कंडीशन है नहीं। ये यहाँ पे एक सेंटर टेबल, दो चेयर दिया हुआ, एक ड्रेसिंग टेबल भी दिया हुआ है इन्होंने, बट कोई लॉकर वगैरह नहीं दिया। एक छोटा सा लॉकर भी दिया हुआ है, ये इसके अंदर हम सामान वगैरह रख सकते हैं। चलिए दोस्तों अभी थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, फिर बाद में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।